वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का इंतजार है और इस मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना है। यदि बारिश के चलते मैच रद्द हुआ तो भारत को इसका फायदा मिलेगा और पॉइंट्स के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। वजह यह है कि इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में उसने अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को महज 57 रनों का आसान टारगेट दिया था। साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9वें ओवर में ही मैच जीत लिया है। तो साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में उसने अफगानिस्तान को हराया था। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को महज 57 रनों का आसान टारगेट दिया था। साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9वें ओवर में ही मैच जीत लिया है। और चलिए सीधे शुरू करेंगे बिलासपुर से संवाददाता उमेश जुड़ गया। उमेश, अब साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच चुका है और देखा यह जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले के दौरान आज जो होने वाला मैच है उसको लेकर जबरदस्त उत्साह युवाओं में खासतौर पर देखा जा रहा है। से जो क्रिकेट प्रेमी है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और आप मेरे पीछे आवाज सुन सकते हैं कि वो इंडिया फील कर रहे हैं। जो चूंकि पिछला जो मुकाबला हुआ था, पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी सेमीफाइनल में जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं जो है इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। उस मुकाबले को अब बदला लेने की बारी आ गई है जिसको लेकर काफी उत्साहित है यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी। किस तरीके से देखते हैं मैच, क्या लग रहा है इस बार कौन चलने वाला है? इस बार बिल्कुल अभी विराट कोहली पिछले 5 मैच में चला नहीं है पर हमको लग रहा है कि वो बड़ा प्लेयर है, फाइनल में बिल्कुल चलेगा। सेमीफाइनल में वो अभी अपना रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा आज परफॉर्मेंस देंगे, हमको पूरा उनके ऊपर भरोसा है। जी जी, आज बारिश की भी संभावना जताई दे रही है, ऐसी स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है मैच का? बारिश का संभावना है पर इस हिसाब से भारत और इंग्लैंड का मैच है और इस हिसाब से जैसे बारिश के होने का संभावना भी होता तो इस हिसाब से इंडिया का रन रेट जो है वो काफी स्ट्रांग है अभी। आपको क्या लगता है कौन बल्लेबाजी में इस बार चलने वाला है? बल्लेबाजी में इस बार विराट कोहली तो चल ही सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, शुरू से ही जाने माने कप्तानीगिरी भी उनका बहुत बेस्ट है। कितना उत्साह देख रहे हैं आप, चूंकि लगातार आप खेलते रहे हैं यहाँ पर मैदान में भी आप अपना जोहार दिखाते रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैच को, क्या लग रहा है कि किसको मौका और मिल सकता है? अभी मेरे हिसाब से तो यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग कराना चाहिए और शिवम देव को बैठा करके विराट कोहली को वन डाउन कराना चाहिए। विराट कोहली जब से ओपनिंग आ रहे हैं तब से अभी तक चल नहीं पाए हैं, इस नाम से मेरे हिसाब से तो यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग कराना चाहिए। ये मान के चले कि उम्मीदें बहुत है विराट, विराट से उम्मीदें बहुत है, उम्मीदें बहुत है विराट, विराट से उम्मीद तो बहुत है क्योंकि वह कप्तानीगिरी बहुत बेस्ट ही करते हैं। इंडिया बिल्कुल देखिए उम्मीदें बहुत है इंडियन प्लेयर से, खास करके विराट कोहली से जो लगातार 5 मैचों में उनका बल्ला जो खामोश रहा है वो खामोशी टूटे ऐसा इन प्लेयरों का मानना है। और इसके साथ ही ये भी कहना है कि ये जो मैच है इंडिया 100% जीतने वाली है, बस इंतजार है 8 बजे का जब मैच शुरू होगा और इस मैच का लुप्त उठाने जो पूरे देश की जनता है वो इस मैच को लुप्त उठाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल उमेश, और सिद्ध करेंगे वासु भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। वासु, आज का रोमांचक मुकाबला होने वाला इंग्लैंड के साथ इंडिया का और उत्साह तो हम देख ही पा रहे हैं, खासतौर पर विराट पर बहुत भरोसा जताते हुए युवा नजर आ रहे हैं, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए आज एक बहुत बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है और जिस तरह से 50-50 वर्ल्ड कप में चूक हो गई थी 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला हुआ था, अब इंडिया के तमाम फैंस चाहते हैं कि उसकी भरपाई T20 वर्ल्ड कप में हो जाए। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस पूरी जंग से बाहर कर ही दिया है और अब आज का मुकाबला जो है वो इंग्लैंड से होना है। इंग्लैंड से अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो फिर वो फाइनल में प्रवेश करेगी और फाइनल में उसके सामने साउथ अफ्रीका की चुनौती रहने वाली है, लिहाजा भारतीय टीम जो पूरी तैयारी कर रही है, पूरी मेहनत कर रही है,
रही है, कड़ी मशक्कत कर रही है, ग्राउंड से लेकर कागजों तक हर जगह जो है वो मजबूत नजर आ रही है, रणनीति जो है वो विस्तृत रूप से तैयार की गई है। तो वहीं क्रिकेट की जो फैंस है वो भी उत्साहित है और आज के मैच के लिए सबने खासतौर पर जो तैयारियां हैं वो कर रखी है कि कैसे टीम इंडिया को चीयर करना है, कैसे अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ मैच को देखना है, एंजॉय करना है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर क्रिकेट को ना सिर्फ देखा जाता है, समझा जाता है, खेला जाता है, बल्कि इसको बहुत एंजॉय किया जाता है, इस खेल को बहुत जिया जाता है। और जब बात होती है वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की, मेगा टूर्नामेंट की, तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जो है वो भी जुड़ जाती है और यही वजह है कि आज के मैच का सभी लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एक हाई वोल्टेज मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो भी कम नहीं है, कई सितारों से सजी हुई टीम है। जॉनी बेयरस्टो की बात कर लें और भी तमाम सारे जो खिलाड़ी हैं वो उस टीम में खेलते हैं जो T20 के बड़े मैच विनर माने जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम के आगे किसी की चल पाएगी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक आप बैटिंग ऑर्डर देख लें, आप ऑलराउंडर्स को देख लें, आप बॉलर्स को देख लें, एक परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन आपको वहां पर नजर आएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन करते हैं, ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहे हैं, शिवम दुबे एक एक्सपेक्टर हैं जो युवराज सिंह की याद को ताजा कर देते हैं। इसके अलावा फिर आप जाइए तो हार्दिक पांड्या वहां पर मिलेंगे, तेजी से रन बनाते हैं, विकेट भी चटकाते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं। रविंद्र जडेजा हैं जो अपनी स्पिन से कभी भी मैच को पलट सकते हैं, जरूरत पड़ने पर एक फिनिशिंग टच भी बल्ले से दे सकते हैं, तो एक बड़े खिलाड़ी वो भी है। इसके अलावा अक्षर पटेल जिन्होंने बीते मैच में शानदार कैच पकड़ा था, बैटिंग भी करना जानते हैं, बॉलिंग उनकी अच्छी है ही, तो ये जो खिलाड़ी है ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं। जो बॉलर्स की अगर आप बात करें तो बुमराह हमारे पास है जो सबसे बड़ा गेंदबाज बना है इस विश्व कप में अब तक, जिसकी गेंदों की जवाब